Hey everyone, welcome or welcome back to another video on the channel and that too straight up from Bangalore. Now, आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है because I'll be finally sharing about my placement journey जो कि मुझे KIIT के थ्रू ही मिली है and this video is going to be a little bit about life update. तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं यार अपनी placement के बारे में and मैं बता दूं कि यार जो कंपनी में मैं लगा हूँ that was the second or the third company that actually came up. तो मैं बता दूं कि यार मेरी जो placement हुई थी वो मेरे third year के end होने से पहले हो गई थी. तो that was the one I would say a major thing that actually happened because मेरे को उसके बाद फिर टेंशन नहीं लेनी फोर्थ ईयर में कि होनी है कि नहीं होनी है. एंड इस वीडियो में अपन और भी चीजें डिस्कस करेंगे यार कि अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है या फिर अगर आप फोर्थ ईयर में हो आप इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग देन हाउ यू कैन एक्चुअली गो अहेड विद लेट्स से द प्लेसमेंट प्रोसीजर और बी इट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस एनी वेयर राइट. तो यार मैं अगर बता दूं कि मेरी जो प्लेसमेंट है वो ऑन कैंपस हुई थी किट के ही थ्रू हुई थी. किट में मेल आया था एंड अप्लाइड थ्रू इट. एंड एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे एंड दैट इज कि जब लिंक आया तो मैंने जब अप्लाई किया सो आई लाइक बेसिकली तीन राउंड्स हुए थे. दो ऑनलाइन थे और एक ऑफलाइन था विच वाज लाइक पीआई और पर्सनल इंटरव्यू एज वेल. तो जो दो ऑनलाइन राउंड हुए थे यार उसमें तो मैंने बहुत सही किया था. मतलब आई क्लियर एवरी राउंड. मतलब दोनों ही राउंड मैंने क्लियर किए थे. एंड दूसरे राउंड के बाद जो हमारा एक ग्रुप बना था बेसिकली तो उसमें क्या बातें होने लगी थी कि नहीं देयर वाज अनदर राउंड देयर वाज अनदर शॉर्टलिस्टिंग जो कि हो गई थी. आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वो एसआईटी एमयूएन का पहला दिन था. आई वाज सिटिंग इन दैट ऑडिटोरियम एंड आई वाज लुकिंग एट दोज चैट्स एंड यू नो उसमें बातें हो रही थी कि नहीं एक और राउंड हो गया है दे हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड पीपल एंड ऑल दैट. सो आई थॉट कि भाई इस कंपनी से भी गया अपना अब अपना नहीं होने वाला एंड ऑल. तो आई वाज कंप्लीटली होपलेस कि नहीं अब तो कुछ है ही नहीं इसमें राइट. बट देन आफ्टर अ फ्यू डेज आई गॉट अ मेल. आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ पी आई राउंड एज वेल. जो उनका एप्लीकेशन था वो तो सब में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. लाइक सब में मतलब अराउंड 1500 से लेके 2000 तक के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. एंड उसमें से फिर लास्ट राउंड तक 147 स्टूडेंट्स तक पहुंचे थे. इसमें से 40 लोग पी आई तक पहुंचे थे. तो यार यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिली मेरे को कि यार जब तक कंपनी की तरफ से या तो आपको रिजेक्शन मेल ना आ जाए या फिर कंपनी ऐसे एक हफ्ते या दो हफ्ते का डिले ना कर दे आपको रिस्पॉन्ड करने में तब तक आप अपने आप को रिजेक्टेड ना समझें. ठीक है नो मैटर अभी लाइक मेरे ही बैचमेट होंगे वो काफी जगह अप्लाई कर रहे होंगे. मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन टू यू. नाउ एक और चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है यार. अभी जो मार्केट का हाल है दैट इज वेरी बैड. एंड ऑल्सो कॉलेज प्लेसमेंट्स का सीन ये रहता है यार ऑन कैंपस प्लेसमेंट का ये सीन रहता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और जो जो कंपनी आ रही होती है यार वो बहुत ही रिगरस राउंड्स ऑफ लेट्स से एप्लीकेशंस निकालती है एंड लेती है. तो बहुत फिल्टर आउट होके स्टूडेंट्स लास्ट तक पहुंच पाते हैं. तो बहुत जगह ऐसे चांसेस भी हो जाते हैं ऐसे सिनेरियोज भी हो जाते हैं इनफैक्ट जहां पर आपको लगता है कि लाइक मल्टीपल कंपनीज होती हैं तीन चार राउंड तो लेते ही हैं राइट. और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लास्ट राउंड तक पहुंचो ही हर कंपनी में राइट. बिकॉज क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं किस बेसिस पे रिजेक्ट किए जाते हैं नोबडी एक्चुअली नोज राइट. तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो एंड इफ यू गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि आप लास्ट राउंड तक जा रहे हो एंड यू आर लाइक सेलेक्टेड फ्रॉम द कंपनी मेक श्योर स्पेशली फॉर दी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स कि आप उसमें से बैकआउट ना करो. ठीक है बिकॉज उसके बाद थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि यार कॉलेज नाम ही हटा देता है आपका बिकॉज दे विल कंसिडर दैट यू हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड. तो अब आपको रख के हम क्यों अपनी एक सीट और वो करें राइट. तो ये चीज़ हमारे साथ भी हुई थी यार जब मेरे साथ बाकी के जो लोग थे दे kind of tried to back out in the last moment whereas मतलब जब उनका सिर्फ PI होने वाला था या उससे जस्ट पहले they were backing out and उनमें से कुछ लोगों का नाम जो था वो blacklist कर दिया गया था. तो ये चीज़ें भी होती हैं आप ध्यान रखो. एंड किट की स्पेशली अगर मैं बात बताऊँ तो प्लेसमेंट में एक पॉलिसी होती है कि यार अगर आप प्लेस हो चुके हो कंपनी में देन यू कैन नॉट अप्लाई टू एनी अदर कंपनी until and unless it's like a double the package of what they are offering. तो ये एक बहुत बड़ी I would say lessons थे कि मैंने पूरी placement के पूरी placement journey के around मैंने जाने कि these are the things that are actually matter a lot. और यार मैं बता दूँ उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि we will wait for a better company or a better opportunity or anything like that. ट्रस्ट मी ऑन दिस कि यार अगर आप जैसे जैसे आपका फोर्थ ईयर क्लोज आता रहेगा या फिर जैसे जैसे आप फोर्थ ईयर में पहुंच के और एंड तक पहुंचते जाओगे प्लेसमेंट का एक अलग ही प्रेशर होता है यार. वो हैंडल करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस ऑल टुगेदर राइट. तो आप करते रहो आपका अप्लाई अगर होता रह रहा है इफ़ यू आर एक्चुअली गोइंग टू क्लियरिंग ऑल द लेवल्स ऑफ अ कंपनी राइट
मेक श्योर दैट यू डू नॉट बैक आउट इन दी एंड अनटिल एंड अनलेस अगर आपका बिल्कुल ही कम्प्लीटली इंटरेस्ट के बाहर के डोमेन में जा रहे हो आप कि आपको बिल्कुल 0% इंटरेस्ट है जो अगर आप लास्ट राउंड तक चले गए किसी कंपनी में तब आप बैकआउट करो तो समझ में आता है बिकॉज अल्टीमेटली योर मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे समझ में आती हैं चीज़ें कि हाँ आप बैकआउट करो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में बट अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो कि ओके नहीं ये काम नहीं तो ये काम सही तो मेक श्योर कि आप करो मतलब उसमें अप्लाई करो एंड यू गेट सेलेक्टेड टू इट मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें और यार आपको स्पेशली ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन अगर मैं बताऊँ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल करियर इज दैट कि अगर आप अपने कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट ले लेते हो तो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग अगर आपको अच्छा आपकी ठीक ठाक प्लेसमेंट लग जाती है तो कंपनी वाले आपको बुलाएंगे लेट्स से बैंगलोर हैदराबाद चेन्नई या फिर इन जगहों पे बुलाया जाता है आपको आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग व्रेनिंग जो भी देना होता है देते हैं वो लोग आपका एक प्रोफेशनल करियर शुरू हो जाता है उसके बाद यू कैन ऑलवेज फील टू स्विच द कंपनी फील टू लाइक अपग्रेड योर सेल्फ और डू वट एवर इट इज बट आप एक बार प्लेस हो जाते हो कंपनी से तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ कॉलेज स्पेशली इन द फोर्थ ईयर किस तरीके से आप प्लेसमेंट्स उठा सकते हो या फिर किस तरीके से और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है और चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हो तो यार मैं बता दूं यार मेरा जो ऑफिस है वो बैंगलोर में है ठीक है एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली केम टू बैंगलोर और लेट्स से केम टू द साउथ इंडिया पार्ट देयर आर एक्चुअली वेरी वेरी बिग कल्चरल आई वुड से डिफरेंसेस दैट आई हैव एक्चुअली नोटिस्ड मतलब वो एक्सपेक्टेड भी था ऑब्वियसली द गुड साइड दैट आई एक्चुअली नोटिस्ड अबाउट बैंगलोर वाज दैट इट्स अ वेरी हाई एनर्जी ड्रिवन सिटी राइट आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेली वाइब आता है यहाँ पे बट पीपल हियर आर वेरी मच एक्सेप्टेबल इन नेचर इट्स नॉट दैट कि एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशन कुछ किसी के थ्रू आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है पीपल आर वेरी एक्टिव वेरी एक्सेप्टिंग इन नेचर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप आई वुड से दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेशन एंड देन वर्किंग इन अ स्टार्टअप And I'll always, always say that if you work in a startup, you will learn a hell lot of things because you'll be working on like 5 to 6 multiple things at the same time. And trust me, when you are like, when you're recently graduated or you're going into a company, this is something which is extremely important. Also, yaar, ek aur cheez bata dun main aapko ki agar aap, let's say aapka college khatam ho gaya ya fir aap place nahi hue ya fir kuch aisa ho gaya, to One thing that I have noticed is that ki, and this is universal to every other domain irrespective of the college and everything is that ki, you have to learn one hard skill and by the term hard I do not mean the technically hard ki ekdam logically aap ekdam apne aap ko exhaust kar do wo wala hard nahi keh raha hu main keh raha hu hard skill ka matlab hota hai ki the one that is industry demanding matlab aisa jo koi industry avoid hi na kar sake us tarike ka koi kaam seekh lo aap be it in and I'll tell you the examples also. This is the hard skills can include coding. अब कोडिंग में भी बहुत डोमेन्स हैं यार फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट जावा पाइथन मशीन लर्निंग एआई कुछ भी हो सकता है वो आपको जो इंटरेस्ट है आप कर सकते हो बट अगेन दिस इज अ वेरी हार्ड स्किल राइट सो ये कोडिंग वाला पार्ट हो गया डिजाइन वाला पार्ट हो गया डिजाइनिंग इज समथिंग दैट एवरी कंपनी नीड्स मतलब इन एनी फॉर्म बी इट इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर बेसिकली कोई एड कैंपेन निकालना हो गया प्रमोशंस हो गए कुछ भी हो गया डिजाइन इज समथिंग दैट अ कंपनी विल ऑलवेज नीड इट लेट्स से द नेक्स्ट बिग थिंग कुड बी द वीडियो एडिटिंग पार्ट अगेन द वीडियो एडिटर्स लाइक अभी तो द मार्केट इज गोइंग क्रेजी फॉर एडिटर्स राइट सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दीज थिंग्स आउट एंड यू कैन ऑलवेज गो और टेक द फ्रीलांस वाला पाथ एज वेल कि आप अप्लाई करते जाओ थ्रू लिंक्डइन एंड ऑल एंड यू विल लैंड अप समवेयर और द अदर दैट्स फॉर श्योर एंड ऑल्सो यार एक बैंगलोर में एक कल्चर है कि वॉट आई हैव नोटिस पर्सनली इज दैट कि देर इज ऑलवेज अ कल्चर ऑफ लाइक लेट्स से कंपनीज एंड यू नो वर्किंग वर्क लाइफ बैलेंस switching the company, founders, technology people, CEOs, you know, you'll have like a network of people who are extremely intelligent, extremely smart, and then you'll be surrounded by those kind of people, right? So that actually gives you a lot of, let's say, I would say that a lot of efforts and courage to pursue something of your own as well. And people, as I told, that people are very accepting इन नेचर सो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस चीज़ में ऑल्सो मैं बता दूँ यार मेरी जो जॉब है वो दैट इज समथिंग विच इज अगेन इट्स अ नॉन टेक्निकल रोल बट आई एब्सोल्युटली लव इट कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ स्टार्टअप सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम
and this is something that actually excites me at the same time as well. So far, so good. It's the thing. All right. So this was the entire experience and entire placement story that I had to share with you guys. And I was actually waiting to make this particular video for quite a lot. All right. So this is it for the video, guys. I really hope that you might have got some insight from the video. And if that is so, make sure that you hit the like button, share and subscribe to the channel so that you'll get all the updates regarding the channel. And thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.